हेलो गाइस, पुष्पा की रसोई में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं बनाऊंगी मशरूम की सब्ज़ी। तो मैंने ये एक पैकेट मशरूम लिया है, ये देखिए। और मैं बनाने के लिए सामग्री दिखाऊंगी। ये हल्दी, लाल मिर्च, नमक, धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला और मेथी, जीरा, ये देखिए। अब ये मैंने कुछ सामग्री ली हुई है, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, टमाटर और ये मैंने खड़ा मसाला, देखिए। अब हम प्याज के टुकड़े कर लेंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ प्याज का छिलका उतारने। तो जब तक मेरी ये सब्ज़ी तैयार हो रही है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी आज की ये रेसिपी कैसी है आपको लगी। तो ये देखिए, इस तरह से हम अपने प्याज के छिलके को निकाल लेंगे। और थोड़ा उधर मैंने मशरूम को भी पानी में थोड़ा सा उबाल के रख दिया है, ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा गर्म पानी में ही उसको डाल देंगे, ताकि मशरूम के ऊपर देखा हुआ आपने फंगस टाइप का लगा रहता है तो वो उससे साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने टमाटर, प्याज और हरी मिर्च, ये देखिए टमाटर के हम चार चार पीस करके, इस तरह से ज़्यादा छोटे नहीं करना है, वो सारे गल जाएंगे। और इस तरह से मैं प्याज की कुछ चार गठियाँ ली थी, तो वो करीब 100 ग्राम के करीब होगा, क्योंकि एक डिब्बा मैं मशरूम बना रही हूँ तो उसी के हिसाब से मैंने ये सामग्री ली हुई है। तो मैंने सारी प्याज को कट कर लिया है। और आज मैं हमने सुबह मैंने सोचा कि चलो आज मशरूम बनाती हूँ, तो मैं इस वजह से आपको भी बना के ये डिश दिखाऊंगी। इसकी सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और इसमें बहुत सारा प्रोटीन भी होता है। ये देखिए मैंने लहसुन की भी कुछ कलियाँ डाल दी हैं, तो लहसुन का इस तरह से छिलका उतार के हम सब साथ में ही इसको डाल देंगे। अब हम मशरूम को निकाल के अच्छे से पानी में धुल लेंगे। अब हमें जिस बर्तन में बनाना हो वो बर्तन रख के, ये देखिए मैं इस कढ़ाई बनाने जा रही हूँ, तो बर्तन मेरा गरम हो रहा है। इसमें हम डालेंगे ऑयल। मैं तेल में ही सब्ज़ी बना रही हूँ, आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। इस तरह से मैंने 2 चम्मच करीब तेल को डाल दिया है। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा मशरूम, थोड़ा सा क्या, जितना भी हमने बॉईल किया था सारा इस तरह से हम उसको फ्राई कर लेंगे। मशरूम में पानी बहुत होता है तो आँच को थोड़ा तेज़ी रखें और इस तरह से फ्राई होने दें। ये देखिए अब हमारा मशरूम फ्राई हो चुका है। अब हम इसको तेल से निकाल लेंगे। अब हम इसको निकाल लेंगे।
ये देखिए अब मैंने मशरूम को निकाल लिया। ये जो हमारा बचा हुआ तेल है तो इसी तेल में हम जो हमने प्याज और हरी मिर्च टमाटर कट करके रखा हुआ था उसको इस तरह से हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हम यदि ग्रेवी बनाते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है और सब्ज़ी भी हमें बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। तो ये देखिए मैं थोड़े से मसालों को इस तरह से फ्राई करूँगी। तो देखिए आप प्याज भी हमारी थोड़ी थोड़ी से जो कलियाँ इसकी होती हैं वो निकल के बाहर आ जाएँ। ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ा सा ही ताकि इनका पानी ये जल जाए और थोड़ा सा ये सॉफ्ट भी हो जाए। तो इस तरह से हम इसको चलाते जाएंगे। मैंने तेल और नहीं डाला है, उसी जो तेल बचा हुआ था उसी तेल में हम इस तरह से इसको थोड़ा सा पानी सोखने तक पका देंगे। अब ये देखिए हमारा ये पक के तैयार हो चुका है और हम इसको अब बंद गैस को बंद करके इसको मिक्सी जार में इसका महीन पेस्ट देखिए हमने मसाला पीस लिया है। अब हम उसी कढ़ाई में सब्जी को बना के दिखाएंगे। तो हम थोड़ा सा तेल और डालेंगे और तेल को हम अच्छे से गरम होने देंगे। तेल हमेशा याद रखें, तेल को हमें अच्छे से गरम करना है, नहीं तो जो तेल की महक होती है वो सब्जी के टेस्ट को ख़राब कर देती है। तो ये देखिए मेरा अब तेल अच्छे से गरम हो रहा है और हम गैस को तेज कर देंगे। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ प्लीज़ मैं बार बार कहती हूँ कि मेरे वीडियो को आप पूरा देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी चैनल पर लाइक ज़रूर करें। तो ये देखिए अब हमारा तेल ये गर्म हो चुका है, आपको दिख भी रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा सा धुआँ ये निकलने लगा है। तेल गर्म होने की बस यही पहचान होती है कि जब हमारा तेल धुआँ देने लगे इस तरह से। तो अब हम इसमें लहसुन और जीरा और थोड़े से खड़े मसाले वो सब हम डाल देंगे। ये देखिए मैंने थोड़ा सा तेज पत्ता भी डाला हुआ है। तो इस तरह से हम अब बाकी सामग्रियों को डाल देंगे। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे और मसालों को अच्छे तरह से भून लेंगे। ये देखिए अब हमारे मसाले भून रहे हैं। इस तरह से हम मसालों को चलाते जाएंगे। ये देखिए अब हम डालेंगे एक चम्मच नमक, एक चम्मच मिर्च पाउडर, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच गरम मसाला और एक चम्मच धनिया पाउडर और इन सबको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। ये देखिए मसालों को हमें इस तरह से चलाते जाना है, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। तो ये मसाले अब हमारे बस भुनने वाले हैं, बस कुछ टाइम और बस हमारी सब्जी बनके अब तैयार हो जाएगी। ये देखिए हमारा मसाला भुन के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे और हमें सब्जी में अच्छा कलर लाने के लिए थोड़ी ये कसूरी लाल मिर्च है वो मैंने एक चम्मच डाल दिया है। इससे हमारे सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा और बस थोड़ा सा ही इसको भून देंगे। अब हमें एक चम्मच शुद्ध देसी घी डालेंगे जिससे हमारी सब्जी में खुशबू और सब्जी का टेस्ट दो गुना बढ़ जाएगा। ये देखिए तो ये देखिए अब हमारे सब्जी की ग्रेवी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें मशरूम डाल देंगे और थोड़ा सा इसको मशरूम के साथ में ही चला देंगे। तो ये देखिए मैंने मशरूम डाल दिए हैं। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा आया ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।
देखिए मैंने यह मशरूम को डाल दिया है और इस तरह से थोड़ा चला के फिर मैं पानी डाल देंगे और हम सब्जी को अच्छे से पका लेंगे। आपको जिस तरह से पसंद हो तो आप कम ज़्यादा पानी उसी हिसाब से डाल सकते हैं। और थोड़ा सा हम इसको पकने देंगे, मशरूम बहुत जल्दी पक भी जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस तरह से हम सब सब्जी को पकने के लिए थोड़ी देर रख देंगे।